अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का शवारमा पॉकेट्स बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा लिया है चिकन का। आप इसमें दूसरा कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ वेजिटेबल ली है मैंने, आधा कप मैंने गाजर लिया है उसको बारीक कटिंग कर लिया है, शिमला मिर्च ली है बारीक कटिंग कर लिया है, और ये बंद गोभी है इसको मैंने काट लिया है, एक कप है ये। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच इसमें मैंने घी ऐड किया है। इसको हम गर्म कर लेते हैं पहले घी को। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, इसको हम हल्का सा भून लेते हैं। ये गार्लिक हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा, चिकन का कीमा है आधा किलो, ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हम ओरिगैनो ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 एंड 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया हमने, 2 टेबलस्पून इसमें हम चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें हम हॉट सॉस ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। चिकन को हमने फ्राई कर लिया है 2 मिनट। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप, 1/2 कप हम इसमें यूज़ करेंगे, 6 टेबलस्पून या 1/2 कप। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम मीडियम रहेगी हमारी। अब हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे, ये सारी वेजिटेबल हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स को। बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं शवारमा पॉकेट, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर आप इसको दे सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम शवारमा रेडी कर लेते हैं। मैंने शवारमा ब्रेड ले ली है, ये देखें बाज़ार से इजीली अवेलेबल होती है, तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा सेक लेते हैं तवे के ऊपर। ये हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और शवारमा ब्रेड को गर्म कर लेंगे। हल्का हल्का सा हम गर्म करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे। ऑयल या घी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इतना ही कलर हमें चाहिए। इसी तरह मैं सारी शवारमा ब्रेड को इसी तरह से गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसकी पॉकेट्स बनाएंगे। कि हमने सारी ब्रेड को फ्राई कर लिया है, अब हम इसकी पॉकेट्स बना लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए दोनों साइड से हमने फ्राई कर लिया है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका सेंटर से इसको कटिंग करेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसकी पॉकेट्स रेडी कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, इसी तरह से मैं सबकी कटिंग कर लेती हूँ, पॉकेट्स बना लेते हैं। ये देखें इन दोनों की मैंने कटिंग कर ली है, इसी तरह मैं सबकी कटिंग कर लेती हूँ। पॉकेट्स हमारी बिल्कुल रेडी हैं, सारी हमने बना ली हैं। अब हम इसकी स्टफिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी केचप लगाएंगे इस तरह से। अब हम जो बैटर बनाया है वो हम लगाएंगे। ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, ये देखें कीमे वाला, ये हम लगाएंगे इसमें।
अब इसके ऊपर बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम मायोनीज लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह से मैं सारी बना लेती हूँ। सजावट के लिए इसके ऊपर कुकम्बर लगाएंगे। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, हमारे शवारमा पॉकेट्स बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग मेरी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको इसका एक खाती हूँ टेक्सचर। ये देखें, ये देखें कितना मज़े का और यमी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।